हाय हेलो फ्रेंड, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आपके लिए आज नई वीडियो लाया हूँ। आज मैं इस वीडियो में आपको कंप्यूटर की कुछ बेसिक डिटेल यहाँ पे दूंगा। जैसे आप आपके कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे यूज़ करते हो, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा, या आपको वो ऑपरेटिंग सिस्टम आप कैसे चला सकते हो, कौन से मेन्यू का क्या नाम है, वो जानकारी मैं आपको यहाँ पे दूंगा। सो गाइस, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं जैसे जैसे नए वीडियोस बनाता हूँ उस वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। देखो, मैं आज आपको यहाँ पे बताऊँगा कि अपन जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं उस कंप्यूटर में कुछ अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। आप सबको पता होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आप लोग मोबाइल यूज़ करते हो, उस मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, कुछ मोबाइल आईफोन्स है उसमें ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस टाइप में कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। कंप्यूटर में ओएस नाम से ही ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, ओएस मीन्स विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम, बट उसमें अलग अलग वर्जन्स है। जैसे स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर वगैरह निकला था तब एमएस डॉस नाम की एक ऑपरेटिंग सिस्टम थी, एकदम नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम, थोड़े बहुत ही काम उसके अंदर होते थे। उसके बाद में एक नई ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुई, विंडोज़ एक्सपी में बहुत सारे काम हो जाते थे। उसके बाद में फिर से एक नई एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च की गई, विंडोज़ विस्टा। फिर से एक नई ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे लॉन्च हुई, विंडोज़ 7, जो बहुत एडवांस है, सब कुछ विंडोज़ 7 में हो जाता है। उससे भी बेटर ऑपरेटिंग सिस्टम अभी लॉन्च हो गई है, विंडोज़ 10। आप सभी को पता होगा विंडोज़ 7 ही नॉर्मली सब लोग यूज़ करते हैं, ऑफिशियल वर्क वगैरह में भी विंडोज़ 7 यूज़ होता है, क्योंकि बहुत ईजी ऑपरेटिंग सिस्टम है यूज़ करने के लिए। और विंडोज़ 10 ये एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम है बट थोड़ी हार्ड है। सो मैं आपको आज विंडोज़ 7 के बारे में जानकारी दूंगा। ये जो विंडोज़ 7 आपको जो स्क्रीन दिख रही है, जो स्क्रीन है मेरे कंप्यूटर के ऊपर, ये विंडोज़ 7 की स्क्रीन है। ये विंडोज़ 7 का इंटरफेस आपको ऐसे दिखाई देता है। सो गाइज, आपको जो नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ऐसा पट्टी टाइप दिखाई दे रहा है, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ पे इसका जो नाम है इसे हम टास्क बार कहते हैं। टास्क बार का नॉर्मली यूज़ है कि आप आपके कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम वगैरह यूज़ कर रहे हैं, वो अपीयर विंडो आपको आप देखनी है कौन सा प्रोग्राम शुरू है, वो आप टास्क बार पे देख सकते हो, या आपको आपके कंप्यूटर का टाइम या डेट आपको देखना है वो भी आप टास्क बार पे देख सकते हो। टास्क बार पे राइट कॉर्नर में आपको टाइम और डेट दिखाई देगा, और आगे ही देखो लेफ्ट कॉर्नर में एक बटन दिखाई देगा, इस बटन का नाम है स्टार्ट बटन, या तो इसे स्टार्ट प्रोग्राम भी कह सकते हो। देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, ये अपना स्टार्ट बटन है, यहाँ पे ओपन हो गया है। अब ये देखो यहाँ पे जो वॉलपेपर दिख रहा है, ये वाला, ये विंडोज़ वाला, इसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। इस डेस्कटॉप में जो भी शॉर्टकट्स वगैरह अपन क्रिएट करते हैं, कुछ चीज़ अपने को रखना है, फोल्डर्स वगैरह इजीली एक्सेस करने के लिए, वो सब कुछ हम डेस्कटॉप पर रख सकते हैं। और आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा होगा, कुछ फ़ोटो टाइप, कुछ अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के विंडोज़, इसे हम आइकॉन कह सकते हैं, प्रोग्राम्स के शॉर्टकट से, कुछ फाइल्स के शॉर्टकट से, कुछ फ़ोटो के शॉर्टकट से हम इसे प्रोग्राम कह सकते हैं। डेस्कटॉप पे जब रहते हैं अपन, एक बार इसे क्लिक करेंगे, मतलब अपने को क्विकली उसे ओपन करना है, सिंपली यहाँ पे अपन ने इस पर दो बार क्लिक कर दिया, वो अपने स्क्रीन पे ओपन हो जाता है। अब वैसे ही तो अपन उधर स्टार्ट मेनू में जाके भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो डेस्कटॉप पे अपने को शॉर्टकट में ओपन करने के लिए मिल जाता है, हम इसे आइकॉन कहेंगे। ये जो है बैकग्राउंड, इसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। और ये जो नीचे पट्टी आपको दिखाई दे रही है, इसका नाम है टास्क बार। टास्क बार के राइट साइड में आपको टाइम और डेट दिखाई देगा, टास्क बार के लेफ्ट साइड में आपको आपका स्टार्ट बटन दिखाई देगा। देखो स्टार्ट बटन ओपन करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, इस कॉर्नर में कर्सर लेके जाना है, माउस का जो राइट लेफ़्ट वाला बटन होता है वो लेफ़्ट वाला बटन यहाँ पे आपको प्रेस करना है। जैसे आप वो बटन प्रेस करेंगे आपका टास्क बार यहाँ पे ओपन हो जाएगा,
स्टार्क्स बार में देखो, स्टार्क्स बार में दो ऑप्शन है। इस साइड में आपको एक फोल्डर मेनू दिखाई दे रहा होगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, म्यूजिक। मतलब आपको क्या करना है, पिक्चर नाम का फोल्डर से आपके कंप्यूटर के अंदर वो पिक्चर नाम का फोल्डर यहाँ पे ओपन करना है। अब पिक्चर पे क्लिक करोगे तो पिक्चर नाम का फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो म्यूजिक्स वगैरह लगाने हैं, म्यूजिक नाम का फोल्डर दिया है, म्यूजिक ओपन कर सकते हो। आपका कंप्यूटर मतलब आपका जो पीसी है, वो पीसी का जो हार्ड ड्राइव है इंटरनल, जिसमें आपका पूरा डेटा स्टोर होता है। आप कुछ भी कंप्यूटर में स्टोर करोगे आपके हार्ड ड्राइव में स्टोर होता है, हार्ड डिस्क में। वो हार्ड डिस्क के फोल्डर्स फाइल्स आपको यहाँ पे देखने हैं तो आपको कंप्यूटर ओपन करना पड़ेगा। देखो कंप्यूटर पे क्लिक करूँगा मैं तो सिंपली क्या करना है, जो भी ओपन करना है उसके ऊपर आपको कर्सर लेके जाना है और लेफ्ट वाला बटन यहाँ पर आपको प्रेस करना है। देखो कंप्यूटर की विंडो यहाँ पर ओपन हो गई है। ये अपने हार्ड ड्राइव के कुछ ड्राइव्स हैं। ये जो विंडो ओपन हो गई ना, इस विंडो को हम कहेंगे विंडोज़ एक्सप्लोरर, और इसे विंडोज़ एक्सप्लोरर कह सकते हो या तो फोल्डर एक्सप्लोरर भी कह सकते हो। ये फोल्डर एक्सप्लोरर की एक विंडो है। तो आपके स्क्रीन पे ऐसी विंडो ओपन हो गई है, आपको क्या करना है, ये विंडो बंद कर दे रहा है। विंडो बंद करने के लिए आपको ऊपर वाली जो पट्टी है, इस पट्टी पे क्लोज बटन है रेड कलर में, इसे प्रेस करना होगा। जैसे उसे प्रेस करोगे विंडो क्लोज हो जाएगी। देखो फिर से स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो आपको कुछ प्रोग्राम्स दिखाई देंगे, नोट पैड, VLC, एडोब वगैरह। मतलब ये क्या है, यहाँ पे हम रिसेंटली जो भी प्रोग्राम यूज़ करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, वो यहाँ पे रिसेंट लिस्ट में ऐड हो जाएगा। आपको वो रिसेंट लिस्ट में दिखाई देगा। और आपको क्या करना है, आपके कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स इंस्टॉल है, पूरे प्रोग्राम्स की यहाँ पे आपको लिस्ट देखनी है। तो आप लिस्ट भी देख सकते हो। वो लिस्ट देखने के लिए आपको स्टार्ट बटन पे ऑल प्रोग्राम नाम का बटन दिया है, ऑल प्रोग्राम पे आपको सिंपली क्लिक करना है। देखो यहाँ पे लिस्ट आ गई, आपके कंप्यूटर में जितना कुछ इंस्टॉल है प्रोग्राम्स वगैरह, वो सब कुछ आपको यहाँ पे ऑल प्रोग्राम में दिखाई देगा। आपको यहाँ से ओपन कर सकते हो। और आपको कोई प्रोग्राम आपको यहाँ पे देखना है, आपको प्रोग्राम का नाम पता है, आपको वही लिस्ट में मिल नहीं रहा है, आपको ढूंढना है, तो आप यहाँ पे सर्च नाम का बटन दिया है नीचे, इस सर्च बटन को यूज़ करके आप उसे ढूंढ सकते हो। आपको सिंपली उस सर्च बटन में प्रोग्राम का नाम टाइप करना है। देखो नोटपैड टाइप करेंगे हम, देखो नोटपैड नाम का प्रोग्राम सर्च करके अपने को यहाँ पे इसने दिखा दिया। शॉर्टकट में आप सर्च बटन यूज़ कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपका पूरा वर्क कंप्लीट हो गया है, आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो पीसी है, आपको शट डाउन कर देना है, बंद कर देना है। तो स्टार्ट बटन पे यहाँ पे इस ब्लैक पट्टी के लाइन में शट डाउन बटन दिया है। जैसे आप शट डाउन बटन पे क्लिक करोगे, आपका जो कंप्यूटर है यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे एक एरो भी दिया है। जैसे आपको क्या करना है, सिंपली कुछ देर के लिए बंद करके रखना है, शट डाउन नहीं करना है। आप इसे लॉग ऑफ कर सकते हो, लॉक भी कर सकते हो। या तो आपको क्या करना है, आपके कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा यूज़र्स है, दूसरे यूज़र को आपको एक्सेस करना है, तो आप स्विच यूज़र करके वो एक्सेस भी कर सकते हो। उसकी तो मैं कोई वीडियो नहीं बना सकता उस स्विच यूज़र की, लेकिन आपको मैं आप मेरे डिस्क्रिप्शन में उसके कुछ फ़ोटोज़ के लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से उसके फ़ोटोज़ देख सकते हो। और आगे देखो, अभी रिस्टार्ट बटन दिया है, मतलब आपका जो कंप्यूटर है प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, कुछ हैंग वगैरह हो गया है, तो आप यहाँ पे इसको रिस्टार्ट कर सकते हो। रिस्टार्ट करने के बाद में पूरी तरह से वो रिफ़्रेश हो जाएगा और फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ये था देखो विंडोज़ 7 OS के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नॉर्मल थोड़ी बहुत डिटेल, आपको समझ आया होगा। जो नीचे वाली पट्टी है इसका नाम है टास्क बार, ये जो कॉर्नर में दिया है लेफ्ट कॉर्नर में, इसे हम स्टार्ट बटन कहेंगे। राइट कॉर्नर में डेट और टाइम दिखाई देगी। स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन वॉलपेपर वगैरह, इसे हम डेस्कटॉप कहेंगे। ये जो आपको फोटोज़ फोल्डर वगैरह दिखाई दे रहे हैं, हम इसे आइकॉन्स कहेंगे। सो गाइज, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। मैं रोज़ ही ऐसे ऐसे वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ।